नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आगामी 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जहां सत्र को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस बार के मॉनसून सत्र में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष नीतीश सरकार को पूरी तरह से घेरने के मूड में है। क्राइम को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के लोग इस बार सरकार से तमाम मुद्दों पर जवाब मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 5 दिन में इस छोटे से सत्र में सरकार जनता के मुद्दे पर जवाब दे पाएगी या हर बार की तरह सेशन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। वहीं मॉनसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उपनेता, उपमुख्य सचेतक और सचेतक की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार विधान परिषद के उपनेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को बनाया गया है, जबकि उपमुख्य सचेतक संजय प्रकाश बने हैं। वहीं बिहार विधानसभा के उपमुख्य सचेतक जनक सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा 6 सचेतक भी बनाए गए हैं। सचेतक की लिस्ट में विजय कुमार मंडल, आलोक रंजन, कृष्ण कुमार ऋषि, हरिभूषण ठाकुर, अजय सरावगी और वीरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। बता दें कि बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आगामी 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाला यह सत्र 26 जुलाई को समाप्त होगा। इस बार के मॉनसून सत्र में दोनों ही सदनों में 5-5 बैठकें होंगी। 5 दिनों के इस मॉनसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट के साथ साथ अन्य विधेयक को सदन में पेश करेगी। मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पर 25 जुलाई को विधानसभा में मुहर लगेगी, वहीं उच्च सदन में 26 जुलाई को मुहर लगेगी। जानकारी के अनुसार मॉनसून सत्र के पहले दिन नए सदस्य की शपथ और शोक प्रस्ताव भी रखा गया है। सत्र के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार 23 जुलाई और तीसरे दिन बुधवार 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य लिए जाएंगे। बता दें कि 25 जुलाई को प्रथम अनुपूरक मतदान और विनियोग विधेयक पेश किए जाएंगे, वहीं 26 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि इस बार सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। देखिए, जहां एक तरफ 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की नजर इस बात पर भी टिकी है कि क्या इस 5 दिनों के मॉनसून सत्र में क्या यह सत्र हंगामेदार रहेगा या इस सत्र में सरकार तमाम मुद्दों पर विपक्षियों के सवाल का जवाब देगी। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।